हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे UGC नेट मास कम्युनिकेशन चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना UGC नेट क्लियर कर सकते हैं और GRF भी ले सकते हैं। दोस्तों आपका चाहे किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, मेन सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आप उसके अंदर सफलता हासिल कर सकते हैं और GRF ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें बताऊँगा कि हम क्यों पीछे रह जाते हैं और क्यों कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार अटेम्प्ट में ही नेट क्लियर कर देते हैं और GRF भी उनका हो जाता है। तो उन लोगों में और हम में क्या डिफरेंस है, हमारा क्यों नहीं हो पाता, यही मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चाहे आपका सब्जेक्ट कौन सा भी हो, ये तरीका आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपका जो नेट है वो क्लियर होगा ही होगा अगर आप इस तरीके को यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं वो तरीका कौन सा है कि किस तरह से आप पहली बार में नेट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो तरीका। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जून 2012, यानी कि मैंने जून 2012 से लेके और 17 तक, नवंबर 2017 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो मैंने लिए और उनको टॉपिक वाइज उनके जो क्वेश्चन है वो अलग किए, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर लीजिए, आपका चाहे मेन पेपर हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे कोई भी हो, उसके जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है उन्हें अलग कीजिए और उन्हें एनालाइज कीजिए कि क्या आ रहा है और क्या बूझ रहे हैं। अब ठीक है, अब हम देखें लॉजिकल रीजनिंग में भी मान के चलते हैं, इसके अंदर काफ़ी तरह के वो क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं, तो हम सभी जो टॉपिक है वो हमारे लिए कर पाना असंभव सी बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन UGC नेट के अंदर कुछ ही ऐसे टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो बार 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 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो हमें केवल और केवल उन्हीं पे फोकस करना है, ना कि सभी के सभी टॉपिक करने ज़रूरी है लॉजिकल रीजनिंग के, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के अगर आप देखोगे तो काफ़ी तरह के टॉपिक है। तो आप उन इनमें देखिए कि क्वेश्चन पेपर में कौन से टॉपिक बार बार बूझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, ये बार बार बूझा जाता है, ठीक है। और ये देखिए ये जो नंबर सीरीज है ये भी बार बार बूझी जाती है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या बूझ रहे हैं, ठीक है। आप ये PDF देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने क्या किया है 2012 से लेकर 17 तक टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो अलग किए हैं। ये अभी चल रहे 2012 के, ये लॉजिकल सॉरी रीजनिंग विद मैथ चल रहे हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं सारे ईयर वाइज मैंने किए हुए हैं, तो आप भी इस तरह से कर लीजिए और आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत काम आने वाले। ये देख सकते हैं मैंने ईयर वाइज सभी किए हुए हैं और हर टॉपिक मैंने अलग किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए अगला हमारा आ गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि ये जो है हमारा कम्युनिकेशन से आ गया, क्योंकि पेपर फर्स्ट के अंदर कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आते, तो ये कम्युनिकेशन के मैंने अलग किए हैं कि कम्युनिकेशन से कौन कौन से आज तक क्वेश्चन आए और कहाँ से उठते हैं। तो ये इसके अंदर जब आप अलग करोगे और एनालाइज करके देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जो है। अब ये देखिए अभी आ गया ICT आ गया, यानी कि कंप्यूटर से जो जो क्वेश्चन आज तक आए हैं, जो बूझे जाते हैं, वो मैंने अलग कर रखे हैं, ठीक है। इस तरह से मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का मैंने अलग किया है ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए। अब ये देखिए जून 2012, ये सल्फर, ये आ गया नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है, ये एनवायरमेंट से आ गया कि एनवायरमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन बूझे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि इससे हमें क्या है कि क्राइटेरिया पता चल जाता है कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि पेपर फर्स्ट के अंदर जितने भी पेपर आज तक हुए वो उठाइए और उनके जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज अलग कीजिए और उन्हें एनालाइज कीजिए कि कहां से क्या क्वेश्चन आ रहा है। दोस्तों अगर आप ये PDF लेना चाहो तो आप ये PDF भी ले सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे से ये PDF ले सकते हैं। लेकिन
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी थोड़ी सी कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि ये मैंने बड़ी ही मेहनत से बनाई है, काफ़ी दिन लगे हैं मेरे को इसे बनाने में। तो इसके बदले में अगर मैं थोड़ा सा चार्ज ले लूँ तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये तो होगी हमारे पेपर फर्स्ट की बात। और इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है आपका, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पब्लिक एड हो, चाहे किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, आप उसमें भी यही ट्रिक अपनाइए, क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनके जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज अलग कीजिए और देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब देखिए मैं मैथ की बात करके चलता हूँ पेपर फर्स्ट के अंदर। मैथ के अंदर तो बहुत से टॉपिक होते लेकिन सभी से तो क्वेश्चन नहीं आते ना, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप टॉपिक वाइज अलग कीजिए क्वेश्चन को और उनमें एनालाइज कीजिए कि कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसा करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों आपको, ऐसा करोगे तो आपको आपका पहली बार में ही नेट क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा पूरा पक्का कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये आ गया हमारा, ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सभी अलग अलग किए हुए, वेन डायग्राम आ गया, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो मेरे से PDF, और लिंक इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और तो दोस्तों आखिर में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।